हेलो फ्रेंड्स, आज का हमारा टॉपिक ब्लिस्टर है और ब्लिस्टर के बारे में कम्प्लीटली बात करेंगे कि ब्लिस्टर कैसे जनरेट होता है, ब्लिस्टर कैसे दिखाई देता है। एक्चुअली ये ब्लिस्टर आपको कास्टिंग दिखाई नहीं देगा, कास्टिंग के बाद में जो फर्दर प्रोसेस करते हैं, हीटिंग वगैरह करते हैं, क्वेंचिंग वगैरह करते हैं या फिर प्लेटिंग वगैरह करते हैं तो उसके अंदर दिखाई देता है, तो ज़्यादा इसके बारे में पता नहीं होता है। लेकिन ब्लिस्टर आज हम कम्प्लीट इसका कारण जानेंगे कि ब्लिस्टर कैसे इसकी शुरुआत होती है, क्या इसका टेक्निकल रीजन है, कैसे इसको दूर किया जा सकता है और कैसे ये बाद में दिखाई देगा। ओके, तो सबसे पहले तो बता दूं, ब्लिस्टर एक, जब तक आपकी कास्टिंग प्रोड्यूस होती है तब तक ब्लिस्टर एक ओनली गैस पोरोसिटी है। तो देख लेते हैं, ये कास्टिंग है, उसके बाद में कोई भी गैस पोरोसिटी जो एयर ट्रैप रह जाती है, ये एयर ट्रैप रह जाती है। इसका वॉल्यूम वी वन है, वी इसका वॉल्यूम है, पी इसके ऊपर लगने वाला प्रेशर है और टी इसका टेम्परेचर है। तो हम जब कास्टिंग मोल्ड में से निकलती है हॉट होके कास्टिंग और जब कोल्ड होती है रूम टेम्परेचर के अंदर, तो उसके अंदर जो प्रेशर में चेंज होता है हम उसको इस इक्वेशन से समझेंगे। P1V1/T1 = P2V2/T2 मीन्स कास्टिंग जो फर्दर प्रोसेस होती है, कास्टिंग अभी डाई से बाहर निकली है, उसके बाद में अगेन उसका हीट ट्रीटमेंट होगा, तो ये जो भी टेम्परेचर वगैरह चेंज होगा हम इसको समझेंगे। सबसे पहले तो बता दूं कि P1, ओके, जब कास्टिंग फोर्स लगाया जाता है, हाई स्पीड लगती है, तो जो मेटल कास्टिंग के अंदर जाता है, हाई स्पीड से जो कास्टिंग भर जाती है उसके अंदर जो एयर ट्रैप्ड हो जाती है, उस एयर ट्रैप का वॉल्यूम हम लेंगे V1 मीन्स, और P1 उसके ऊपर जो प्रेशर लग रहा है वो होगा, मीन्स हाई स्पीड के अंदर जो गैस ट्रैप हुई है उसका V1 होगा वॉल्यूम और P उस पर लगने वाला होगा प्रेशर। उसके पास का जो टेम्परेचर होगा उस टाइम वो होगा, उसका टेम्परेचर होगा कि जो इसका ट्रैप्ड एयर जो बबल है, ओके, ये है P1V1T1 जब सिर्फ हाई स्पीड लगती है। उसके बाद में जब इंटेंसिफिकेशन प्रेशर लगाते हैं हम, जो श्रिंकेज अलाउंस को दूर करने के लिए, श्रिंकेज जो हमारा एल्यूमिनियम हो जाता है उसको फिल करने के लिए आईपी जब लगाते हैं, तो सपोज करो हम आईपी लगा रहे हैं P2, ये हमारा P2 प्रेशर है जो हम आईपी लगा रहे हैं। क्योंकि ये एक पूरा क्लोज सिस्टम होता है, तो जब यहाँ पे हम आईपी लगाएंगे, आईपी कितना लगा रहे हैं हम, P2 प्रेशर, तो कंप्लीट कास्टिंग के अंदर हर जगह पे P2 प्रेशर लगेगा, मीन्स आईपी जो भी लगेगा, IP = P2 हम प्रेशर लेके चल रहे हैं, ये आईपी, ये प्रेशर कंप्लीट कास्टिंग में हर जगह पे, जो भी सलरी है इसके अंदर, उस सलरी के अंदर पूरी के अंदर P2 फोर्स लगेगा हर जगह। तो मैं ये कह सकता हूं कि जब पूरी कास्टिंग के ऊपर P2 फोर्स लगेगा तो अपना जो गैस पोरोसिटी वाला ट्रैप्ड एरिया है, जो गैस ट्रैप्ड एरिया है उसके अंदर भी P2 फोर्स लगेगा, ठीक है। अब जैसे P2 फोर्स लगेगा, आईपी अप्लाई करेंगे तो क्या होगा, ये P1 चेंज हो जाएगा P2 के अंदर, ओके, P1 P2 के अंदर चेंज हो गया, तो V1 क्या होगा, अब जैसे आईपी अप्लाई करेंगे तो V1 क्या होगा, डिक्रीज हो जाएगा, मींस जो इसका वॉल्यूम है प्रेशर जनरेट करने से वॉल्यूम उसका डिक्रीज हो जाएगा, क्योंकि कुछ श्रिंक होगा पार्ट, पीछे से आईपी लगेगा तो उसका कॉन्ट्रेक्शन होगा, तो ये क्या हो जाएगा, V1 चेंज हो जाएगा V2 के अंदर और V2 V1 से कम हो जाएगा, प्रेशर इसका बढ़ जाएगा और टेम्परेचर इसका कॉन्स्टेंट रहेगा। इस टाइम पर ब्लिस्टर जनरेट हो सकता है, लेकिन ब्लिस्टर जनरेट इसलिए नहीं होगा क्योंकि ये क्लोज सिस्टम है और इसका बाहर से जो कास्टिंग है, कास्टिंग के ऊपर प्रेशर लग रहा है मोल्ड की वॉल का, मींस क्लोज सिस्टम है, मोल्ड की वॉल का प्रेशर लग रहा है, हालांकि P1 से P2 प्रेशर बढ़ गया उसके अंदर, बट जो मोल्ड की वॉल का इसकी आउटर सर्फेस पे प्रेशर लगा गया, इस वजह से ब्लिस्टर जनरेट नहीं होगा, ओके। इसके बाद में जस्ट अपन कास्टिंग जैसे बाहर निकालेंगे, कास्टिंग रिमूव कर दिया अपन ने, कास्टिंग कोल्ड एट रूम टेम्परेचर, कास्टिंग रूम टेम्परेचर पे कोल्ड हो गई है, ओके, तो उसका टेम्परेचर डिक्रीज हो जाएगा, प्रेशर उसका डिक्रीज हो जाएगा, वॉल्यूम उसका सेम रहेगा, तो प्रेशर में कह सकता हूं कि जो P2 प्रेशर उसके लग रहा था वो P2- हो गया, ठीक है, वॉल्यूम उसका कांस्टेंट रहेगा, हालांकि हल्का सा कॉन्ट्रैक्शन हो सकता है, जैसे कास्टिंग बाहर आएगी हल्का सा कॉन्ट्रैक्ट हो सकता है कॉन्ट्रैक्ट्स में काफी, लेकिन वो नेग्लिजिबल रहेगा तो हम उसको इग्नोर कर देंगे। तो अभी जस्ट हमारा क्या हुआ,
प्रेशर कम हुआ है, जैसे कास्टिंग भाग किया अपने और रूम टेम्परेचर में उसको कोल्ड किया जाता है कास्टिंग, तो पी टू से प्रेशर पी वन कम हो गया है, प्रेशर डिक्रीज हो गया तो भी ब्लिस्टर क्योर नहीं होगा क्योंकि हमारा प्रेशर कम हो गया है। ठीक है, इसके बाद में हम चलते हैं स्टेज फोर्थ में। स्टेज फोर में क्या होगा कि जैसे ही हम इसको अगेन हीट ट्रीटमेंट करेंगे, जैसे अगेन उसको फर्दर क्वेंचिंग वगैरह एनलिंग वगैरह करेंगे, प्लेटिंग करने के लिए टेम्परेचर राइज करेंगे, तो जैसे ही टेम्परेचर अपन इसमें बढ़ाएंगे, टेम्परेचर बढ़ाते ही वॉल्यूम हमारा कॉन्स्टेंट रहेगा, वॉल्यूम कॉन्स्टेंट रहेगा लेकिन प्रेशर वापस अगेन बढ़ जाएगा। ये पी टू डैश पी थ्री हो जाएगा, उसके अंदर प्रेशर बढ़ जाएगा, प्रेशर बढ़ जाएगा, ये प्रेशर बढ़ते ही ब्लिस्टर उसमें से हो जाएगा। मतलब जैसे ही अगर उसको टेम्परेचर देंगे तो टेम्परेचर बढ़ेगा तो इसका पी टू डैश से जो पी टू डैश था ये बढ़ के पी थ्री हो जाएगा, प्रेशर बढ़ेगा, प्रेशर बढ़ेगा, वॉल्यूम सेम रहेगा, वॉल्यूम सेम है उसकी, प्रेशर बढ़ेगा तो ब्लिस्टर फट जाएगा। अभी ब्लिस्टर काफी कंडीशन होती है कि ब्लिस्टर फटे भी और ब्लिस्टर ना भी हो, इसके भी काफी ज्यादा रीजन है, वो मैं आपको समझा देता हूँ। ओके, ये डिपेंड करेगा एक एफ अलॉय के ऊपर, इसे कहते हैं क्रिटिकल रेजिस्टेंस। ओके, ये डिपेंड करेगा क्रिटिकल रेजिस्टेंस ऑफ अलॉय, ये भी काफी चीजों के ऊपर डिपेंड करता है। ओके, इस टाइम अगर P3 की वैल्यू, ये P3 जो फोर्स लग रहा है इसकी वैल्यू अगर F अलॉय से कम होगी, P3 की वैल्यू अगर F अलॉय से कम होगी तो क्या होगा, ब्लिस्टर जनरेट नहीं होगा। कहने का मतलब बाहर से जो फोर्स लग रहा है F अलॉय जो है, क्रिटिकल रेजिस्टेंस जो है, इससे कम अगर P3 की वैल्यू होगी, इससे कम अगर प्रेशर राइज होगा दोबारा टेम्परेचर देने से, तो ये ब्लिस्टर अक्योर नहीं होगा। ब्लिस्टर अक्योर नहीं होगा क्यों, क्योंकि F क्रिटिकल रेजिस्टेंस ज्यादा है। अब सबसे जरूरी चीज जो इसके अंदर है कि F क्रिटिकल रेजिस्टेंस किस किस के ऊपर डिपेंड करता है, F क्रिटिकल रेजिस्टेंस डिपेंड करेगा जो ट्रैप लेयर है, ट्रैप लेयर कितनी ज्यादा डेप्थ में है, मींस कास्टिंग की सरफेस में कितनी ज्यादा डेप्थ में है, इसके ऊपर ये डिपेंड करेगा। सपोज करो इसकी डेप्थ ज्यादा है, डेप्थ ज्यादा होगी तो क्रिटिकल रेजिस्टेंस भी ज्यादा होगा, क्रिटिकल रेजिस्टेंस ज्यादा होगा तो P3 से वैल्यू ज्यादा होगी तो ब्लिस्टर अक्योर नहीं होगा। अगर ये हल्का सा जस्ट पास में है, ऊपर है, तो डेप्थ कम होगी, डेप्थ कम होगी तो क्रिटिकल रेजिस्टेंस बहुत ज्यादा कम होगा, और क्रिटिकल रेजिस्टेंस अगर कम होगा तो P3 की वैल्यू ज्यादा हो जाएगी F अलॉय से, P3 की वैल्यू F से ज्यादा होते ही ब्लिस्टर जनरेट हो जाएगा, ब्लिस्टर जनरेट हो जाएगा। एक डिपेंड करता है, एक तो कर दिया कि इसके ऊपर क्रिटिकल रेजिस्टेंस, एक तो डिपेंड करता है ट्रैप लेयर की डेप्थ के ऊपर, दूसरा डिपेंड करेगा टेम्परेचर के ऊपर। अगर टेम्परेचर ज्यादा होगा, टेम्परेचर अगर ज्यादा होगा तो मेटल सल्टरी की फॉर्म में होता है, सल्टरी की फॉर्म में होगा तो क्रिटिकल रेजिस्टेंस हमेशा कम होता है, मींस जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ेगा वैसे वैसे जो एफ अलॉय है वो कम होगा, जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ेगा वैसे वैसे एफ अलॉय क्या होगा, कम होगा, जैसे जैसे एफ अलॉय कम होगा, जैसे जैसे एफ अलॉय कम होगा तो पी थ्री की वैल्यू उससे ज्यादा होगी तो क्या होगा, ब्लिस्टर जनरेट होगा। मींस काफी ज्यादा चीजों के ऊपर डिपेंड कर रहा है एफ अलॉय, किसके ऊपर डिपेंड कर रहा है, टेम्परेचर के ऊपर। अगर कास्टिंग का टेम्परेचर ज्यादा होगा तो क्रिटिकल रेजिस्टेंस क्या होगा, उसका बहुत ज्यादा कम होगा, क्रिटिकल रेजिस्टेंस अगर कम होगा तो पी थ्री वैल्यू ज्यादा होगी, मीन्स उसके अंदर जो प्रेशर जनरेट होने वाला है वो उससे ज्यादा होगा तो ब्लिस्टर जनरेट हो जाएगा। उसके ऊपर डेप्थ के ऊपर डिपेंड करेगा, डेप्थ जितनी ज्यादा होगी उतना ही ज्यादा उसका क्रिटिकल रेजिस्टेंस होगा, जितना ज्यादा क्रिटिकल रेजिस्टेंस होगा तो उसकी पी थ्री की वैल्यू क्रिटिकल रेजिस्टेंस से कम होगी तो इसके अंदर ब्लिस्टर जनरेट नहीं होगा। तो गाइज ये जस्ट ब्लिस्टर के बारे में थी कि ब्लिस्टर में क्या फॉर्मेशन बनता है, किन चीजों के ऊपर ब्लिस्टर डिपेंड करता है, ब्लिस्टर क्रिटिकल रेजिस्टेंस के ऊपर भी डिपेंड करता है। सपोज करो टेम्परेचर ज्यादा हो रहा है लेकिन
डेप्थ उसकी काफी ज्यादा है, सपोज करो बीच के अंदर है, डेप्थ काफी ज्यादा होगी तो उसका क्रिटिकल रेजिस्टेंस बहुत ज्यादा हो जाएगा, क्रिटिकल रेजिस्टेंस बहुत ज्यादा हो जाएगा तो इस पर प्रेशर लगेगा तो बीच में रहेगा, सेंटर से प्रेशर आउट लाने में बहुत ज्यादा दिक्कत होती है। और एक अगर कुछ भार ही सरफेस के पास में अगर इसका प्रेशर लग रहा है तो वो प्रेशर बहुत ज्यादा लगेगा तो वो उसको फट जाएगा, तो वो ब्लिस्टर जनरेट हो जाएगा। तो काफी ज्यादा कारक होते हैं जिनके ऊपर डिपेंड करता है, क्रिटिकल रेजिस्टेंस के ऊपर डिपेंड करता है, क्रिटिकल रेजिस्टेंस किसके ऊपर डिपेंड करता है, टेम्परेचर ऊपर डिपेंड करता है, टैप लेयर की डेप्थ के ऊपर डिपेंड करता है और इसके टेम्परेचर ऊपर डिपेंड करता है। तो गाइज ये था ब्लिस्टर का फॉर्मेशन, ब्लिस्टर कैसे जनरेट होता है। ब्लिस्टर जब तक आप अष्टिंग भार निकालोगे डाई से उस टाइम तक आपका जनरेट नहीं होगा ब्लिस्टर, क्योंकि उसका प्रेशर कम रहता है, प्रेशर ये P2' कम हो जाता है उसका, प्रेशर डिक्रीज होगा तो ब्लिस्टर जनरेट नहीं होगा। अगेन जब उसको हीट ट्रीटमेंट करते हैं अपन, अगेन हीट ट्रीटमेंट करने के बाद में ही ब्लिस्टर जनरेट होगा, क्योंकि उसका P2' से P3 बढ़ जाता है, वॉल्यूम सेम रहती है। ओके, बार कोई ऐसा कोई प्रेशर रहता नहीं है, बार प्रेशर डिपेंड करेगा P3 तो ओनली क्रिटिकल रेजिस्टेंस डिपेंड करेगा। अगर क्रिटिकल रेजिस्टेंस काफी ज्यादा कम होगा तो P3 की वैल्यू उससे ज्यादा हो जाएगी, P3 की वैल्यू ज्यादा होगी तो ब्लिस्टर अक्यूर हो जाएगा। तो गाइस ये ब्लिस्टर का था, ऐसे वीडियो पाने के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो, लाइक कीजिए और कमेंट्स करके बताइए अगर और भी कोई प्रॉब्लम हो तो। थैंक यू।